हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल से तैयारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जो स्टेनोग्राफर 10 मार्च 2019 को एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था, उसका क्वेश्चन पेपर तो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आंसर की अभी आई नहीं है, कल तक आएगी। और फिर भी अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा भी दिया है उसमें, और आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था जिससे आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकें। बात आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करेंगे इस वीडियो में, जो एक्सपेक्टेड है लेकिन कहीं ना कहीं आसपास ही रहेगी, कोई फालतू या फिजूल नहीं है। क्या न्यूज़ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर न्यूज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, राइट लगे कुछ हद तक, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बता दें, सरकारी रिजल्ट पे जब आप आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूपी टेट प्लस स्टेनोग्राफर आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आपको देखे होंगे। 352 पोस्ट के लिए 10 मार्च 2019 को एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था, और आंसर की अभी नहीं आई है लेकिन क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है सॉरी। तो 10 से 19 तक रहेगा, इसमें जो भी लोग आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि इस बार पोस्ट जो थी 352 पोस्ट थी, और जो क्वेश्चन हुआ था वो 40 नंबर का पूर्णांक था, कुल 80 क्वेश्चन थे, यानी कि हाफ मार्किंग थी प्रत्येक नंबर पे, प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो टोटल पूर्णांक जो था वो 40 नंबर का था, क्वेश्चन थे 80। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ हम बता दें पूर्णांक 40 का है, तो इसमें जो सर्वे के अनुसार मिला है, किसी के 72 सही हैं यानी 26 नंबर मिल रहे हैं, किसी के 28 नंबर मिल पा रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर सरल भी था। और चूंकि मेन जो है सेकेंड स्टेज जो है इसका टफ़ होता है, स्टेनोग्राफर बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, तो यहाँ पे मेरिट 30 के अंदर ही रहेगी, 30 के अबव नहीं जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को स्टेनोग्राफर के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत कम लोग निकाल पाते, तैयारी हो नहीं पाती लोगों की, अच्छे से होती है लेकिन स्पीड नहीं निकल पाती है। तो यहाँ जो जनरल की जो मेरिट रहने वाली है वो 30 के समथिंग, यानी 29 या 30 के आसपास रहेगी जनरल की, और इसी के आसपास ही 27 या 27.5 के आसपास समथिंग जो है जाने वाली है कट ऑफ ओबीसी की, और एससी एसटी के लिए भी 26 साढ़े 26 के आसपास ही रहने वाली फीमेल भी इसी के अंदर, यानी 26.5 से 30 के बिटवीन ही मेरे रहने वाली है, यानी 26 के जिसके अबव हैं, 30 के आसपास टच कर रहे हैं वो स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर चुके हैं। अपने स्पीड पे ध्यान दें। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।